नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम और आप जब लाइफ में जी रहे हो, काम कर रहे हो, तो क्या हमें लर्निंग इम्पॉर्टेंट है या नहीं? मेरे अनुसार लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिना लर्निंग के हम लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप जॉब में हो, आप स्टूडेंट हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, आपको लर्निंग हर समय पर करना पड़ेगा, रिलेटेड टू योर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, रिलेटेड टू योर सॉफ्ट स्किल, रिलेटेड टू योर हार्ड स्किल। आपको हर जगह पर, हर समय पर अपने आप को अपडेट करना है, नहीं तो आप लाइफ के रेस में पीछे रह जाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि हम इस चीज़ को कैसे करें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्री चीज़ है, लर्निंग का रिसोर्सेज क्या है, हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना क्यों चाहिए, और इसके तरीके कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लेना, और इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपके पास हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये सवाल होना चाहिए कि मुझे करना क्यों है, Why? रीजन इज दैट, कि तक आपके पास ये पर्पस नहीं होगा कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना क्यों है, आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर नहीं सकते और अपने आप को डेवलप नहीं करोगे। और अगर आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका फिनेंशियल गोल और आपका जो ह्यूमन गोल है वो अचीव नहीं होगा। वट इज द रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, सोर्स क्या है, एंड इन लास्ट कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लाइक मैंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस में तो आ गया, लेकिन इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, क्या मेरे को जॉब में अच्छी सैलरी मिल जाएगी, मेरा बिजनेस 2, 4, 5 गुना, 10 गुना इंक्रीज कर जाएगा, या मैं स्टूडेंट हो तो मैं टॉप कर जाऊंगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वाई, सोर्स एंड इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई, कि हमें क्यों चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आते हैं तो हमें डेवलपमेंट स्किल डेवलप होता है, नो द न्यू प्रोसेस आइडियाज। क्योंकि जैसे एक मैं आपको बात करता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले जब हम रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, जब ओला और उबर नहीं था, तो हमें बार्गेन करना होता था ऑटो वाले से या टैक्सी वाले से। लेकिन जिस दिन से ओला उबर आ गया, तो हम एक ऐप पर डालते हैं और टैक्सी हमारे पास आ जाता है, ऑटो हमारे पास आ जाता है। तो दैट जब आप डेवलप करोगे अपने आप को, अपने स्किल को इंक्रीज करोगे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आओगे, तो आपको न्यू आइडिया, न्यू प्रोसेस पता चलेगा या लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप उस बिजनेस पे जाना चाहते हो तो आप वो बिजनेस कर सकते हो, या ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका आप एज ए कंज्यूमर बन के बेनिफिट उठा सकते हो। लेट्स अज्यूम आपको नहीं पता है कि किसी भी रेलवे स्टेशन से उतर के मैं ओला और उबर से ऑटो या टैक्सी मंगा सकता हूँ, तो वो बंदा क्या करेगा, जनरल ट्रेडिशनल ऑटो से जाएगा, निगोशिएट करेगा, ज़्यादा किराया ले सकता है, नहीं ले सकता, डेट विल डिपेंड। लेकिन अगर वो ओला और उबर करता है, निगोशिएशन का टाइम ख़त्म, आपको सही जगह पर पहुंचाएगा और आप ट्रैकिंग में रहोगे कि कोई आपके साथ गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने यूँ ही किसी भी ऑटो से बात करते हो, माइट बी पॉसिबल आपके साथ कल को कुछ मिस हैपनिंग होता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, उसका कोई ट्रैकिंग नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी ऐप से जाते हैं तो आपके पास एक ट्रैकिंग है, तो ये हमें पता चलता है। इसके बाद आपके पास जब आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड में आते हो, लर्न करते हो, तो नई नई चीज़ें आपको पता चलती है कि मार्केट में क्या हो रहा है और किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये नॉलेज दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हो कि जी हाँ, आज मैंने एक नया चीज़ सीखा, नेट बैंकिंग में एक नया रूल आया है। जैसे अभी अगर RBI कोई रेपो रेट इंक्रीज करता है, आपने कोई पेपर पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, तो आप दूसरे को बता सकते हो कि रेट इंक्रीज हो गया है, सेल्स इंक्रीज कर गया है, इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन। होम लोन का जो रेट है वो इंक्रीज करेगा, जो आपका डिपॉजिट रेट का इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करेगा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, नॉलेज आपके पास होगा तभी आप दूसरों को शेयर करोगे। जैसे अगर आपसे कोई बच्चा पूछता है कि अंकल मैंने क्लास 12 पास कर लिया, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर आपको सिर्फ 4-5 चीज़ें पता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, MCA, गवर्नमेंट जॉब, इसके अलावा आपको अगर फैशन इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, कुक इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, होटल मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, और भी बहुत सारे एकेडमिक के बारे में नहीं पता है, तो आप उसको
इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाओगे, बता ही नहीं पाओगे कि मार्केट में कितने जॉब अवेलेबल है, या स्टार्टअप के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप ये अपने बच्चे को अपने रिलेटिव को कन्वे ही नहीं कर पाओगे कि आप स्टार्टअप करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो या किसी के स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हो। सो नॉलेज आपको अपने लिए भी ज़रूरी है और दूसरे को शेयर करने के लिए भी ज़रूरी है। अब आता है कि एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोर लर्न मोर अर्न, जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी। रीजन इज दैट कि अगर आप इंजीनियर हो, इंजीनियर होने के साथ साथ अपने अपने सॉफ्ट स्किल को आपने इंक्रीज किया और आपने अभी तक जावा या सी प्लस प्लस जानते थे, आपने दो तीन और नया नया लैंग्वेज सीख लिए, ऐप बनाना सीख गए, तो आपकी जो जॉब है वो इंक्रीज करेगी। अगर आप बिजनेस पे हो तो आपको डिफरेंट टाइप के अलग अलग कस्टमर मिलेंगे। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे आपकी अर्निंग पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। रिसोर्सेज, हमारे पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जो मोड हैं, जो प्रोसेस है, उसके रिसोर्सेज है बुक। बुक्स इज द बेस्ट रिसोर्स, जहाँ पर हम नॉवेल पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, अपना टेक्निकल बुक पढ़ सकते हैं और एनी काइंड ऑफ बुक वी हैव टू रीड सो हमारी लर्निंग इंक्रीज कर सके। इस तरीके से हमारे पास सोशल मीडिया है, हम किसी कोच, किसी मेंटोर, किसी गुरु, सेमिनार, वेबिनार का हेल्प ले सकते हैं, जहाँ से हम अपने लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। सो डैट जितना ज़्यादा मैं लर्न करूँगा उतना ही ज़्यादा मैं अर्न करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं, जैसे फैमिली और फ्रेंड। फैमिली से हम मॉरल वैल्यू सीखते हैं, फ्रेंड से हम डिफरेंट टाइप के वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में 5-10 जितने भी फ्रेंड होंगे उनका सोशल सिनेरियो अलग होगा, उनके फैमिली का मॉरल वैल्यू अलग होगा, वो डिफरेंट सिटी में रहते होंगे। इस तरीके से फैमिली से हम डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स मॉरल वैल्यू सीखते हैं, फैमिली से हम अपने फैमिली के बारे में मॉरल वैल्यू सीखते हैं। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपके आसपास जो भी चीज़ हो रहा है, जो पैसेंजर कुछ कर रहे हैं, उनसे भी आप लर्न कर सकते हो, आपको सीख सकते हो। जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है, एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक बंदा किसी फैमिली से बात कर रहा है, तो आप तीनों को नोटिस करो। जो बंदा मोबाइल पर गेम खेल रहा है, ही इज़ जस्ट वेस्टिंग टाइम, लेकिन जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हो सकता है वो कोई बिजनेस न्यूज़ पढ़ रहा हो सकता है वो पॉलिटिकल कनेक्टेड बंदा हो, वो पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहा हो, या जो बंदा किसी फैमिली वाले से बात कर रहा है, वो अपना इन्फॉर्मेशन इनपुट प्रोवाइड कर रहा है कि अभी मेरी ट्रेन यहाँ पहुँच गई एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आप जब भी कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, या आप ऑफिस में हो या किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हो, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको सिर्फ गौर करना है और उससे जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपको उस लर्निंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और ओन एक्सपीरियंस, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, चाहे जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या कहीं जॉब शुरू करते हो, उसमें कभी सक्सेस होता है, कभी फेल्योर होता है, वो आपका एक्सपीरियंस को आप अपने आप में मंथन करो, समझो कि लास्ट टाइम मैंने क्या गलतियाँ किया था, अब मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, और उससे आप अपनी अच्छी चीज़ों को निकालो और लाइफ में सक्सेस होने के प्रोसेस में आ जाओ। इम्प्लीमेंट, नॉलेज तो हर जगह मिल जाता है, हर किसी को मिल जाता है, कोई कोच, कोई गुरु, कोई वेबिनार सेमिनार में, और इंडिया में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप चाय के दुकान पर बैठ जाओ और कुछ बोलो कि क्रिकेट में इंडिया हार गया, तो 10 बंदे बोल देंगे कि इस बैट्समैन को ऐसे 6 मारना चाहिए, इस बैट्समैन को ऐसे 4 मारना चाहिए था, इस बॉलर को ऐसे गुगली देता तो आउट हो जाता सामने वाला। लेकिन क्या जो बंदा ये ज्ञान बांट रहा है, क्या वो उसने अपने लाइफ में क्रिकेट खेला नेशनल लेवल पर भी या फिर स्टेट लेवल पर भी? नहीं। तो इंडिया में ज्ञान बांटना बहुत ही आसान है, आप जहाँ चले जाओ जिससे पूछ लो, ज्ञान आपको भर भर के मिलेगा और इतना मिलेगा जिसका आपको अंदेशा तक नहीं है। तो क्या ज्ञान से ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? जी नहीं। जब तक आप उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, उस स्किल को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो
इतना सारा ज्ञान है जो हमें चाय की दुकान पर मिलता है, किसी मेट्रो में मिलता है, ऑफिस में मिलता है, फैमिली से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, क्या हम सारे नॉलेज को, सारे एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, ये मेरा खुद का मंत्र है, अगर आप चाहो तो इस मंत्र को आप एक्सेप्ट कर लो, अपने लाइफ में अप्लाई कर लो। तो मेरा मंत्र कहता है, आप कहीं से भी जो भी कुछ सीखते हो, चाहे वेबिनार में हो, सेमिनार में हो, किसी फैमिली के यहाँ हो, किसी मैरिज पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, किसी ट्रेवल में हो, किसी होटल में रुके हो, कहीं पर भी हो, आपको जो भी कुछ सीखने को मिलता है, अगर उसका आपने मिनिमम 1% भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, तो आपका लाइफ धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। सो आज से आपका सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए कि आप जब भी कोई नया चीज़ सीखते हो या समझते हो, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और मिनिमम 1% आपको इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करना है। जैसे आज पूरे टॉपिक में अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, तो आपने ये सोचा कि मैं बुक्स पढ़ना शुरू करूँगा, आपने ये सोचा कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं सोशल मीडिया यूज करूँगा, अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सोशल मीडिया तो मैं तो सिर्फ शॉर्ट्स देखने या रील देखने में टाइम बर्बाद करता था, मैं आज से एजुकेशनल पोस्ट पढ़ूँगा, मोटिवेशनल पोस्ट पढ़ूँगा, तो कुछ भी आपको जो भी लगता है, या आपने ये सोचा कि जब मैं ट्रैवल जाऊंगा तो मैं लोगों का बिहेवियर देखूंगा कि लोग क्या कर रहे हैं, उससे कुछ सीखने का ट्राई करूंगा, ये आपको डिसाइड करना है। जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल बताया आपके सामने। सो इट इज माय एडवाइस टू यू कि आप अपने लाइफ में मिनिमम 1% हर टाइम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने का सोचें, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता, क्योंकि जो बैड एक्टिविटी या जो नेचर हमारे खून में आ चुका है, हमारे बिहेवियर में आ चुका है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल से, एक दिन में नहीं ख़त्म होगा। सो आप 1% से शुरू करो, धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप एक सक्सेसफुल बंदे बन सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि इस इम्प्लीमेंटेशन को हम 24/7 और 30 के रूप में कैसे अप्लाई करें, सो डैट कि हम सक्सेसफुल हो सकें। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट ज़रूर देना। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट पर आप हमसे वीडियो चाहते हो तो वो भी आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो टॉपिक का नाम हमें लिखना, सो डैट मेरा जितना ज्ञान है या मेरा जितना नॉलेज है आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू दोस्तों। लास्ट में मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ऑडियो जंगल।